सिंगरौली में एनटीपीसी विंध्यनगर परियोजना के अंदर लापता श्रमिक जगजीवन कुशवाहा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गौरतलब है कि एनटीपीसी में करीब 2 महीने में इस तरह की शव मिलने की ये तीसरी घटना है। इसके बावजूद कंपनी के प्रबंधक इससे कोई सबक नहीं ले रहे हैं। एनटीपीसी विंध्यनगर लगातार विवादों में घिरी रही है। एक बार फिर एनटीपीसी में लापता श्रमिक जगजीवन कुशवाहा का शव मिला, जिसके बाद एनटीपीसी प्रबंधन सवालों के घेरे में आ गया है। बताया जा रहा है कि इस तरह अचानक किसी की मौत की यह तीसरी घटना है। मृतक जगजीवन कुशवाहा एक प्राइवेट संस्था में कार्यरत था, लेकिन जब वह दूसरे दिन काम पर नहीं गया तो लोगों ने इसकी खबर उसकी पत्नी को दी, जिसके बाद पत्नी ने थाने में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने इस पर कार्रवाई की और तलाशी के दौरान जगजीवन कुशवाहा का शव एनटीपीसी में मिला। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी कंपनी प्रबंधन कुछ कहने को या बताने को तैयार नहीं है। घटना को लेकर कई राजनीतिक पार्टियों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।